मधुपुर, शिक्षा से मजाक और छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़। क्या झारखंड सरकार को बदनाम करने की हो रही है साजिश? एक और जहां सूबे के हेमंत सरकार की ओर से शिक्षा में सुधार लाने को लेकर तरह तरह की योजनाएं देकर सरकारी स्कूली छात्रों को लाभ पहुंचाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक छात्र सुलभ तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके, वहीं कुछ ऐसे सफेद पोश या अधिकारियों की मिलीभगत के कारण उन बच्चों तक सुलभ शिक्षा का लाभ नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण ग्रामीण बच्चे शिक्षा से महरूम रहते हैं और मजबूरन उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। जी हां, ऐसा ही नजारा मधुपुर प्रखंड के दुर्गापुर गांव के स्कूल का है, जहां के दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय पहुंचकर उर्दू उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के सचिव को हटाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर एसडीओ दिनेश कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीण मोहम्मद महबूब, मोहम्मद जाकी, अद्वीरुद्दीन, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद रजाउल समेत दर्जनों लोगों ने मांग की है। विद्यालय के सचिव मुमताज मजहर नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है विद्यालय खुलता ही नहीं, कभी कोई जांच आने पर कभी कभार विद्यालय खोला जाता है। वहीं छात्र का कहना है शिक्षक की बदली की जाए, नियमित रूप से विद्यालय का संचालन हो। इधर ग्रामीणों ने बताया एसडीओ से आश्वासन मिला है जांच कर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, बंद रहता 5-6 साल से। कौन जगह की स्कूल? दुर्गापुर, बड़ा नंगू पंचायत दुर्गापुर। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग शिक्षा के लिए मांग करते हैं, स्कूल खुलता ही नहीं है। मास्टर लाओ चाहिए। कौन मास्टर है वहाँ पे? मास्टर है अभी मुमताज मजहर, डबल मास्टर है। किसी को गनबे नहीं करते। कितना दिन से स्कूल बंद है? स्कूल लगभग 15 साल से, जब से खुला तब से खुलबे नहीं करता है। 2-4 दिन कोई जाता है जाँच में अफसर लोग, तब खुलता है, फिर बंद हो जाता है। जो भी पैसा मिलता है वो लोग दोनों में मैनेज करता है। हम लोग को शिक्षा विक्षा मिलता ही नहीं, पैसे तो कोई बात ही नहीं, खाली शिक्षा चाहिए हम लोग को। आज आप लोग अनुमंडल ऑफिस आए क्या? हम लोग आए थे, आवेदन दिए थे, तुमको बुलाया था, जो आप सब ग्रामीण आइए, आज आए हैं, बोला तुम लोग को हो जाएगा बदली, बदलाव हो जाएगा, आइए। तो अभी आए हैं, क्या डिसीजन देते हैं यहाँ पर देखेंगे। क्या मांग रखे हैं? हम लोग मांग रखे हैं जो पलटी टीचर नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा टीचर चाहिए परमानेंट बराबर के लिए। ये आता है 3 महीना के लिए बदली करता है, फिर 3 महीना में आया था कुछ नहीं, 2-4 दिन खोला, फिर इसको मैनेज कर देता है, बोलता पलटी कर दिया, 3 महीना फिर घूम के आ जाता है, पढ़ाई होता ही नहीं है। नाम आपका? हमारा मोहम्मद रजाउल। कौन सा गांव है? दुर्गापुर। हम लोग का खुलता ही नहीं है, कभी नहीं, जैसे कोई जांच भी आता है तो कभी कदर खोल लेता है, उसके बाद जो जांच वो लगी है उसको पढ़ करके ये भी घर अपना चल जाता है। कौन कौन टीचर है वहाँ पे? कितने टीचर है? एक दो टीचर था, एक ने इस्तीफा दे दिया पहले, तो एक टीचर अभी मुमताज मजहर है, जो कि वो चला नहीं रहा, बंद किया हुआ, बहुत दिन से बंद किया हुआ है, मतलब 7-8 साल से बंद है अभी स्कूल। स्कूल खुलता ही नहीं है? हम लोग बहुत आवेदन दिए, यहाँ से हाई कोर्ट तक इसके ऊपर केस किए। आज क्या मांग करते हैं एसडीओ? मांग हम लोग एसडीओ साहब से किए हैं कि हम लोग का ये मास्टर बदली कर दीजिए, हम लोग को ये मास्टर नहीं चाहिए, दूसरा कोई मास्टर दीजिए, वही हम लोग का मांग है। एसडीओ साहब देखिए क्या निर्णय लेता है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सफाउद्दीन। कौन सा क्लास में पढ़ता है? हम पढ़ते हैं 4th। कब से स्कूल बंद है? 5 साल। क्या बोलता मास्टर? मास्टर पढ़ाता नहीं है, एक दिन खोलता आज सही से हाजिरी नहीं बनाता है, घर में अपना हाजिरी हम लोग को चगा देता है, मास्टर जाके दिखा देता है। तुम लोग कितना साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं? हम लोग 5 साल से नहीं जा रहे, स्कूल खुलता ही नहीं। नहीं। क्या मांग करता है, क्या चाहता है? हम लोग को टीचर बदलो और स्कूल खोलना चाहिए। निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती।